वो क्या उसको बोलते हैं, घड़ैया, घड़ैया 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 भेड़, भेड़िया ना हाँ। इसमें पत्थर वो दिया जला के दीपावली के आसपास होता है ना वो। ये बस होने वाला है, इसके बाद करवा चौथ। करवा चौथ के बाद है? नहीं, शनिवार को है। शनिवार को है ये। कुछ भाई बहन वाला त्योहार है ना ये? भाई बहन वाला कोई त्योहार रहता है ना ये? अरे घर में जैसे पापा हैं, भाई बहन। अरे ये पीकर ना कर, हम आए हैं, होता नहीं है ना ये वाला, इसलिए हम शनिवार को इसलिए मनाते कि सनीचर जैसे ऐसे उतारते हैं। अच्छा, शनिवार उतारने के लिए, नजर उतारने के लिए। देखे हमारे घर में एक लोग रहते थे मोती महल के पास, वो लोग रहते थे तो उनके यहाँ होता था ये। हमारे यहाँ होता था उठ गया, तो वही हमको याद आ रहा था कुछ कहते डेढ़ गया और कहीं नहीं, यहीं गया, लोकल है। ढेरिया जो है प्रयागराज का लोकल फेस्टिवल है। इसमें जो आपको कुल्हड़ दिखाए गए हैं जालीदार, इसमें सबसे नीचे दिया रखते हैं, उस पहले भूसा रखते हैं, भूसे के ऊपर दिया रखते हैं जिससे कि जो है दिया लुढ़के नहीं, उसको जलाते हैं। उसके ऊपर इस ये जो जालीदार कुल्हड़ है इसके ऊपर जो ढक्कन रखते हैं, उस ढक्कन में जो है चूड़ा और गुड़ रखते हैं, और उसके बाद जो है इस करवे से जो है जिसको ढेरिया कहते हैं भाई की 7 बार जो है नज़र उतारते हैं। ये एक तरह से भाई बहन का त्यौहार है, और दशहरे के बाद चतुर्दशी को जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है प्रयागराज के लोकल एरियो में, यहाँ के गांव में। और ये भी जो है कुम्हारों की आमदनी का एक बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि इस दिन ये ढेरिया जो है, जो कुल्हड़ हैं जिनको ढेरिया कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बिक रहे हैं आजकल। आपने देखा भी दुख शॉप पे कि कितना ज़्यादा उन्होंने बना के रखा है, और ये सारी बहनें अपने भाइयों के लिए लेके जाती हैं। भाई बहनों का त्यौहार है, तो बहुत अच्छे से प्रयागराज में ये ढेरिया का त्यौहार मनाया जाता है। और कहते हैं कि इसको मनाने से जो है भाइयों को जो है नज़र नहीं लगती, भाइयों को सुख समृद्धि होती है भाइयों के जीवन में, और भाइयों की मंगल कामना के लिए ही ये त्यौहार जो है ढेरिया का मनाया जाता है। और ये जो ढेरिया होते हैं इनको जो है जाली जो इसमें बनाई जाती है उसमें बहुत मेहनत लगती है, तथा इसको पकाया नहीं जाता है, इसको जो है कच्चा ही बेचते हैं ये लोग। इस कारण से ये जो है बहुत टूटते भी हैं बनाते समय भी, और उसके बाद वहाँ से ट्रैवलिंग के समय लाते समय भी बहुत टूटते हैं, और बेचते समय भी बहुत टूटते हैं। इस कारण से इनका रेट भी थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि कुम्हारों को इसको बनाने में, इसको बेचने में बहुत नुकसान होता है। लेकिन चूँकि लोकल त्यौहार है और सब लोग ख़रीदते हैं, इसलिए वो लोग जो है बहुत मेहनत से इसको बनाते हैं। मैं हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो में या फिर कभी आपको इसको बनाने की विधि भी बताऊंगी। मैंने उनसे कहा है तो कुम्हार ने मेरे से ये प्रॉमिस किया है कि जब मैं बनाते एक जो है आपको बना के दिखाऊंगा और आप उसका वीडियो बना लेना। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में जाके प्लीज़ कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। और मैं इसी तरह नई नई जानकारी आपको देती रहूँगी, नए नए वीडियो बना के देती रहूँगी, और आप प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।